नमस्कार, मैं हूं संजय गर्ग। आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज। स्वामी न्यूज के इस खास बुलेटिन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि राजस्थान ही नहीं पूरे देश में इन दिनों डेल्टा प्लस यानी कोरोना के तीसरी लहर का बेचैनी से लोगों को डर और दहशत का माहौल लगातार साफ तौर पर नजर आ रहा है। चिकित्सा विभाग भी इस बार असमंजस की स्थिति में है कि कोरोना की तीसरी लहर किस रूप में आएगी, किस तरह से इस लहर का स्वरूप रहेगा और आम जनजीवन को बचाने के लिए किस तरह से चिकित्सा विभाग को इस बार भी कमर कसनी पड़ेगी। हालांकि वैज्ञानिकों के द्वारा लगातार तीसरी लहर को लेकर शोध किया जा रहा है। आज हम आपको कोरोना का जो तीसरी लहर है उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आपके साथ साझा करेंगे। और यदि इस कार्यक्रम को शुरू करें इससे पहले दर्शकों से मेरा निवेदन है, अपील है कि आप जो दर्शक मेरे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा से ज्यादा मेरे इस वीडियो को लाइक करें और स्वामी न्यूज के फेसबुक पेज को आप सब्सक्राइब करें ताकि समय समय तक जानकारियां आप तक पहुंचती रहे। हम चलिए शुरू करते हैं डेल्टा प्लस का भारत में प्रवेश खास कार्यक्रम को लेकर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी फिलहाल वर्तमान में काफी चिंतित नजर आ रहे हैं क्योंकि डेल्टा प्लस इसके अब तक 50 से ज्यादा रोगी पूरे देश भर में मिल चुके हैं। राजस्थान में भी एक रोगी मिला है। इसके अलावा अब तक जो जानकारी मिली है 2 रोगियों की इसमें मौत हो चुकी है, जिसमें एक महाराष्ट्र, एक MP। सबसे बड़ी बात यह है कि आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने, आज का आपने न्यूज़पेपर देखा होगा या जो कोई भी टीवी चैनल देखा होगा, उन सभी के ऊपर डेल्टा प्लस को ही तीसरी लहर को मानते हुए उसके बारे में आम जनता को सजग करने का काम मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है कि सावधान, कोरोना के रूप में डेल्टा प्लस का भारत में प्रवेश हो चुका है। सवाल यही उठता है कि क्या वाकई में डेल्टा प्लस तीसरी लहर है कोरोना की, और अगर यह कोरोना की तीसरी लहर है तो डेल्टा प्लस आखिर ये वेरियंट है क्या? क्या अब तक के जो वेरियंट सामने आए थे कोरोना के, जिसमें पहली लहर में हमने देखा था और दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी से कई जिंदगियों की सांसें उखड़ चुकी थी, अब यह जो तीसरा वेरिएंट आ रहा है डेल्टा प्लस आखिर यह है क्या? सरकार का क्या कहना है, शोधकर्ताओं का क्या कहना है, वैज्ञानिकों का क्या कहना है इस बारे में? कई महत्वपूर्ण बिंदु हैं, कई महत्वपूर्ण बातें हैं। आम लोगों की क्या धारणा है, वैज्ञानिकों का क्या कहना है, लेकिन सरकार के द्वारा देखिए लगातार प्रयास ये किए जा रहे हैं कि ये कोरोना की तीसरी लहर अगर डेल्टा प्लस है तो इसको किसी भी तरह से राजस्थान के अंदर पैर नहीं पसारने दी जाए। यही वजह है कि इस वायरस को फैलने से बचाने के लिए सरकार हर संभव कोशिशों में जुटी है। लेकिन इन सबके बीच सरकार इस बात पे भी सबसे ज्यादा जोर दे रही है कि आप वैक्सीन ज्यादा से ज्यादा लगाएं, क्योंकि अगर आपने वैक्सीन की 1 या 2 डोज लगवा लिए तो आप काफी हद तक डेल्टा प्लस से सुरक्षित रह पाएंगे। लेकिन सवाल यह भी खड़ा होता था कि क्या वाकई में कोरोना के द्वारा लगाई गई दोनों वैक्सीन की डोज आपको कोरोना वायरस या डेल्टा प्लस वायरस से बचा सकती है? यह अपने आप में देखिए शोधकर्ताओं के द्वारा अभी तक कोई ठोस प्रमाण इस पूरे मामले पर नहीं दिए हैं, लेकिन वैक्सीन की डोज आपके लिए बहुत जरूरी है। बॉडी में आपके इम्यूनिटी बढ़ाने का काम करती है, एंटीबॉडीज बनाने का काम करती है, लेकिन डेल्टा प्लस जो वायरस है इसको खात्मे के लिए सरकार ने क्या योजनाएं बनाई है, किस तरह से इस वायरस को राजस्थान में रोका जाएगा, इस बारे में फिलहाल अभी तक चर्चाएं की जा रही है, मीटिंग्स की जा रही है। और सबसे बड़ी बात यही है कि एक बार फिर से लोगों को COVID-19 के प्रोटोकॉल की पालना करने के लिए, वैक्सीन पर सबसे ज्यादा जोर देने के लिए सरकार ने कई तरह के कार्यक्रमों की शुरुआत की हुई है। देखिए कोरोना का डेल्टा वेरिएंट आपको बता दें कि वर्तमान में 85 देशों में फैल चुका है और अब हमारे भारत में भी इसकी एंट्री हो चुकी है। जैसा मैंने बताया कि 50 से ज्यादा रोगी अब तक इसके सामने आए हैं। अजमेर में किस तरह की तैयारी चल रही है, चलिए सबसे पहले हम आपको एक वीडियो के माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं कि डेल्टा प्लस वायरस के रोगी अगर आप लगातार मिलते हैं और इसका प्रसार तेजी से होता है, आम जनता में दहशत फैलाने का काम अगर ये डेल्टा प्लस करता है तो उसके बचाव के लिए चिकित्सा महकमा कितना दुरुस्त है, वह तस्वीरों के माध्यम से सबसे पहले आपको समझाने का हम प्रयास करते हैं। कोरोना की तीसरी लहर की तैयारियों के तहत
रामनगर डिस्पेंसरी में स्वास्थ्य कर्मियों की पाठशाला का आयोजन किया गया। इस पाठशाला में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का उपयोग करने की जानकारी स्वास्थ्य कर्मियों को दी गई। इस खबर को लाइव कार्यक्रम के माध्यम से स्वामी न्यूज द्वारा दिखाया गया। आपका जो क्लिनिकल रिव्यूशन करेंगे ना आप लोग, पेशेंट आपके पास में आया, हॉस्पिटल आया, दो दिन उसको लेके आते हैं, तो आपको क्या मालूम है कि उसको ऑक्सीजन देनी है देनी है, कैसे क्या करें? क्लिनिकल कुछ भी नहीं है आपके पास में। पहला जो टेस्ट है ना आपका, तो आपके बैठे हुए पेशेंट आपके पास में आ रहा है, लेकिन आपने आप कैसे मालूम करोगे कि भाई इसको फटाफट एडमिट करना है, इसको ऑक्सीजन जरूर कर भाई जल्दी फटाफट इसको टीका हो, कैसे मालूम करोगे आप? मान लो आप रास्ते में जा रहे हो, कोई पेशेंट है वहाँ पे ना, आपने आपके रास्ते में गिरा हुआ है या फिर उसको लेके जा रहा है, तो आप उसकी कैसे हेल्प कर सकते हैं? आपको क्या मालूम है, कैसे मालूम करोगे कि इसको ऑक्सीजन जरूरत है? सुना आपने, कल ये तस्वीरें कल की हैं। आपको बता दें कि अजमेर के अंदर चिकित्सा महकमा पूरी तरह से कोरोना की तीसरी लहर यानी डेल्टा प्लस वेरिएंट को अभी फिलहाल वैज्ञानिक और शोधकर्ता मान के चल रहे हैं कि ये तीसरा वेरिएंट हो सकता है, इसको लेकर तैयारियां शुरू कर दी। और रामनगर डिस्पेंसरी में चिकित्सा कर्मियों की, स्वास्थ्य कर्मियों की बाकायदा एक पाठशाला का आयोजन किया गया, जहां पर उनको ऑक्सीजन के बारे में संबंधित जानकारी दी गई कि अगर अब ये तीसरी लहर कहर बरसाती है तो किस तरह से, अगर ऑक्सीजन की कमी आती है तो आपको मरीज को किस तरह से राहत देनी है, ऑक्सीमीटर का इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है, कितना आपको ऑक्सीजन का किस तरह के मरीज पर इस्तेमाल किया जाता है, ऑक्सीजन मास्क किस तरह से उपयोग में लिया जाता है, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का उपयोग किस तरह से लिया जाता है, यह सब चीजों के बारे में एक विस्तृत जानकारी एक पाठशाला के रूप में लगाकर वहां पर डॉक्टर शशि परिहार के द्वारा इनको सबको जानकारी दी गई। अब देखिए, डेल्टा प्लस वेरिएंट आखिर यह है क्या? कोरोना का एक नया स्वरूप, बदला हुआ स्वरूप के रूप में इसको माना जा रहा है। दूसरी एक सबसे बड़ी बात है कि जो जानकारी मिली है शोधकर्ताओं का, वैज्ञानिकों का जो कहना है, कोरोना वायरस के जो अभी तक की दो लहरें आई हैं, पहला 2020 और 2021 में जिस तरह का हमने काल देखा है, यह डेल्टा प्लस वेरिएंट इन दोनों लहरों से सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा खतरनाक वायरस अभी तक माना जा रहा है। यह वेरिएंट तेजी से आपके शरीर में फैलता है और जो जानकारी मिल रही है कि 100 गुना तेजी से यह आपके शरीर में प्रवेश करता है, उसके बाद महज 3 से 5 दिनों में यह इस गति से फैलता हुआ आपके फेफड़ों को इफेक्ट करता है, संक्रमित करता है, और उसके बाद महज 5 दिनों में जो व्यक्ति इससे संक्रमित है उसकी गंभीर इस वायरस के बाद मौत भी हो सकती है। वैक्सीनेशन के बाद इंग्लैंड खुलने लगा था, लेकिन एक बार फिर से यह मामले सामने आने लगे। इंग्लैंड, ब्रिटेन, जो यूरोपियन जितनी भी कंट्रीज हैं, करीब 85 देशों में डेल्टा प्लस फिलहाल कहर बरपा रहा है, और लगातार एक बार फिर से उन देशों में लॉकडाउन जैसी स्थिति बन चुकी है। कोरोना की दूसरी लहर के बाद जैसे ही जनजीवन सामान्य हुआ, उसी दौरान ये डेल्टा प्लस वेरिएंट ने कदम रखा और यह इतना घातक वायरस है कि 100 गुना तेजी से यह वायरस एक इंसान को संक्रमित करके उसकी जान तक ले सकता है। देखिए, कुछ शहरों के, कुछ देशों के माध्यम से हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि इजराइल में भी सभी पाबंदियां हटाई दी गई थी दूसरी लहर के बाद, लेकिन इस वेरिएंट के कारण फिर से मास्क पहनना वहां पर अनिवार्य कर दिया है। इतना ही नहीं, अमेरिकी विशेषज्ञ फाउची ने कोरोना के नए वेरिएंट को सबसे खतरनाक बताया है। देखिए, कुछ यूरोपियन कंट्री जो बाहर की देश है, उनके द्वारा, वहां के वैज्ञानिकों के द्वारा इस बारे में डिटेल से चर्चाएं की गई है, विस्तृत चर्चाएं की गई है, और आम जनता को ये बताने का प्रयास किया है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट कितना खतरनाक वेरिएंट है और तीसरी लहर के रूप में इस वेरिएंट को जाना जा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि देखिए, पहली, दूसरी और तीसरी लहर में शोधकर्ताओं का एक बात पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया है, अगर आपको इन वायरस से बचना है, इससे आपको सुरक्षित रहना है, तो आपको SMS का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। केवल और केवल एकमात्र SMS ही एक ऐसा रास्ता है जो आपको
कोरोना की तीसरी लहर जिसको डेल्टा प्लस वेरिएंट कहा जा रहा है इससे बचा सकता है। एसएमएस यानी सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजर। यानी मास्क कोर्स को देखिए सेंटर में रखा गया, इसके पीछे वजह यही है कि मास्क एक ऐसी चीज है आप को ना सिर्फ इस कोरोना जैसे गंभीर वायरस से बल्कि अन्य कई बीमारियों से भी बचाने का काम करता है। स्वामी न्यूज लगातार आपसे अपील करता आया है, आप मास्क का उपयोग करें और जितनी भी बीमारी है और खास तौर से डेल्टा प्लस वेरिएंट इससे भी आप बच सकते हैं। वैज्ञानिकों ने एक रिसर्च में यह बात स्पष्ट की है कि जिन लोगों ने मास्क का उपयोग लगातार किया है वह कोरोना संक्रमित नहीं हुए हैं, ना पहली लहर में ना दूसरी में, और अब डेल्टा प्लस जो लहर आने वाली है भारत में प्रवेश हो चुका है, राजस्थान में भी एक रोगी इसका अब तक सामने आया है। लेकिन अगर इस बीमारी से अपने आप को सुरक्षित रखना है, अपने परिवार को सुरक्षित रखना है, तो आपको एसएमएस का एक बार फिर से पूरी तरह से पालन करना होगा, आपको सोशल डिस्टेंसिंग रखनी होगी, आपको मास्क लगाना अनिवार्य होगा, इसके अलावा समय समय पर आप अपने हाथों को धोते रहिए, सैनिटाइज करते रहिए। यही एक जरिया है, यही एक मूल मंत्र है जो आपको कोरोना के तीसरी लहर यानी डेल्टा प्लस से बचा सकता है। इसके अलावा एक और बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे दें, देखिए तीसरी लहर के मद्देनजर इससे पहले भले ही व्यापारियों की राहत देने के लिए सरकार ने व्यापार को 7 बजे तक करने की अनुमति दे दी है, लेकिन कल जिला कलेक्टर ने एक नए आदेश निकाले हैं। उस आदेश के अनुसार जिन दुकानदारों ने वैक्सीन के एक डोज को लगवा लिया है या दोनों डोज को लगवा लिया है, अगर वह शाम को 4 बजे से 7 बजे जो 3 घंटे का अतिरिक्त समय दिया है उस दौरान अगर वो दुकान खोलता है तो उसको अपनी दुकान के बाहर उसके द्वारा उसके कार्मिकों के द्वारा लगाई गई वैक्सीन का सर्टिफिकेट का प्रिंट आउट निकालकर दुकान के बाहर चस्पा करना अनिवार्य होगा। एक महत्वपूर्ण खबर, बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि जो भी दुकानदार ने वैक्सीन लगवा ली है वैक्सीन का सर्टिफिकेट उसको दुकान पर चस्पा करना चिपकाना बहुत अनिवार्य होगा। अगर चेकिंग की जाती है और किन्हीं कारणों से आपने वैक्सीन की डोज का सर्टिफिकेट अपनी दुकान पर नहीं लगाया गया है तो आपके ऊपर जुर्माना लगाया जा सकता है। अजमेर में 9 इंसिडेंट कमांडर इस पर नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि कल पहला दिन था इसलिए थोड़ी राहत देने का काम भी अजमेर प्रशासन के द्वारा किया गया था, लेकिन आज से इस मामले में सख्ती शुरू कर दी जाएगी। दूसरी सबसे बड़ी बात, कई लोगों के सवाल आते हैं कि जवाब हम आपको बताते हैं कि जो ग्राहक हमारे पास आ रहा है हम उसको उसका सर्टिफिकेट कैसे देख सकते हैं, किस तरह से मांग सकते हैं, हमारी ग्राहकी पर फर्क पड़ेगा। आप उसको सामान दीजिए लेकिन मास्क लगाने की अनिवार्यता को लागू कीजिए, बिना मास्क आप किसी को सामान नहीं दीजिए। अगर इसी दौरान कोई चेकिंग पाई आती है आपकी दुकान के बाहर आपका सर्टिफिकेट लगा हुआ देखते हैं तो आपके ऊपर जुर्माना नहीं लगाया जाएगा। हर व्यक्ति के मोबाइल पर यह जो सर्टिफिकेट है इस वक्त आया हुआ है, तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है। कोरोना वायरस जो तीसरा जो वेरिएंट डेल्टा प्लस के रूप में सामने आ रहा है इससे हमें लड़ना है, इससे डरना नहीं है। जैसे हमने दूसरी लहर में किया ठीक उसी तरह डेल्टा प्लस अगर वेरिएंट हमारे राजस्थान में तेजी से फैलता है तो हमें एसएमएस का ध्यान रखना है ताकि हम तीसरी लहर से भी बच पाए। इसके अलावा देखिए कोरोना की दूसरी लहर के दौरान पूरे देश में दवाई अस्पताल में बेड्स ऑक्सीजन की भारी किल्लत हुई थी और लोगों को भारी तकलीफ का सामना करना पड़ा था, लेकिन राजस्थान सरकार के किए गए प्रबंधक और आम जनता के द्वारा किए गए सहयोग के चलते महज 45 दिनों में ही कोरोना की दूसरी लहर पर जीत हासिल करी और आज राजस्थान में दूसरी लहर फिलहाल ना के बराबर रह चुकी है। सरकार अभी भी यही उम्मीद कर रही है आम जनता से कि अगर कोरोना की तीसरी लहर आती है, नया वेरिएंट के रूप में डेल्टा प्लस आता है, तो आप उससे बचाव रखें, अपने आप को सावधान रखें,
कोविड 19 का जो प्रोटोकॉल लगातार चल रहा है उसकी आप अक्षरे से पालना करेंगे तो विश्वास करिए आप कोरोना की तीसरी लहर से भी बच सकते हैं। 15 लाख वैक्सीन रोजाना लगाने की तैयारी सरकार के द्वारा की गई है, लेकिन एक विडंबना आप देखिए, फिलहाल केंद्र सरकार के द्वारा वैक्सीन की व्यवस्था नहीं की गई है, क्योंकि जो दो कंपनियां सीरम इंस्टीट्यूट को जो जिम्मेदारी सौंपी गई थी वैक्सीन की, उसके द्वारा लापरवाही की जा रही है। वैक्सीन की जितनी डोज बननी चाहिए वह डोज नहीं दी जा रही है, क्योंकि पेटेंट किया हुआ है और उसी के पास ये अधिकार है कि कोवैक्सीन का निर्माण वह कर सकते हैं। यही वजह है कि एक कंपनी के पास इसका पेटेंट देने के चलते आज पूरे देश के अंदर वैक्सीन की किल्लत है। हमारे अजमेर में भी कल वैक्सीन नहीं लगी थी और आज भी कहीं कोई वैक्सीन नहीं लगाई जा रही है। तो अपने आप में सवाल यह भी खड़ा होता है कि एक तरफ हम कोरोना की तीसरी लहर से लड़ने की तैयारी में हैं, तो वहीं दूसरी ओर जिस वैक्सीनेशन को लेकर सरकार के द्वारा सबसे ज्यादा जोर दिया जा रहा है वह वैक्सीन हमारे पास उपलब्ध नहीं है। मास्क एकमात्र ऐसा जरिया, देखिए कुछ तथ्य हमारे सामने हैं कि पूरे विश्व के वैज्ञानिक इस बात पर सहमत हैं और एकमत हैं, वैक्सीन और मास्क ही कोरोना से आपको बचा सकते हैं। इसलिए जीवन रक्षा के लिए वैक्सीन लगने से पहले, वैक्सीन की दोनों डोज के बाद भी आपके परिवार को सुरक्षित रखने के लिए मास्क लगाना बहुत अनिवार्य है। यही वजह है स्वामी न्यूज लगातार आपसे अपील कर रहा है कि आप मास्क जरूर लगाएं। घर से यदि आप बाहर निकल रहे हैं, बहुत जरूरी हो तो आप घर से निकलें, लेकिन मार्केट को 7 बजे तक खोला गया है, सब चीज खोल दी गई है, मंदिर को भी खोल दिया है, मस्जिद भी खुल चुके हैं, गुरुद्वारे खुल चुके हैं, इसके अलावा सभी दुकानें 7 बजे तक खुल चुकी है, सिटी बसें रात को 8 बजे तक संचालित होगी, पेट्रोल पंप पर आप 8 बजे तक जा सकते हैं पेट्रोल भराने, एक स्थान से दूसरे स्थान पर निजी वाहनों से आप जा सकते हैं रात को 8 बजे तक। तो कहीं ना कहीं एक खतरा वह लगातार एक बार फिर से बढ़ता जा रहा है, कोरोना की तीसरी लहर वेरिएंट जो डेल्टा प्लस है उसका, तो ऐसे में सावधानी रखना बहुत जरूरी है। हम यह नहीं कह रहे हैं कि आप घरों से ना निकलें, आप अपने काम पे ना जाएं, अपने रोजी रोजगार पे ना जाएं, आप जाएं, लेकिन उसके साथ साथ केवल आपको सावधानी रखना बहुत जरूरी है। अपने आप को सुरक्षित रखेंगे तो आपका परिवार सुरक्षित रहेगा। 2021 का जो समय था दूसरी लहर में, हमने सबने देखा कई हमारे अपने चले गए, आज वह हमारे साथ नहीं है, लेकिन विधि का विधान था, ऊपर वाले की जैसी इच्छा थी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमें अब तीसरी लहर में उस तरह के हालात एक बार फिर ना देखने पड़े, हमारा अपना कोई एकदम हमें छोड़कर ना चला जाए, इसकी जिम्मेदारी, इसकी जवाबदेही अब आपको लेनी होगी, हमको लेनी होगी, क्योंकि हर व्यक्ति, हर इंसान यदि सजग रहेगा, सावधान रहेगा, तो कोरोना की तीसरी लहर जो डेल्टा प्लस वेरिएंट बताया जा रहा है, इससे हम बच सकते हैं। खुद को सुरक्षित रखेंगे तो अपने परिवार को हम सुरक्षित रखेंगे, कहीं ना कहीं सबसे बड़ी और अहम बात यह है। और आप देखिए कोविड 19 के बदलते वेरिएंट पर प्रभावी निगरानी रखने के लिए एक अभिनव पहल जयपुर में SMS मेडिकल कॉलेज में की गई है, जहां पर जीनोम सिक्वेंसिंग सुविधा स्थापित की गई है। अपने आप में बड़ी चीज है कि 2020 में पहला वायरस आता है, जिसको सरकार ने काफी लंबा समय लगा, क्योंकि उस वक्त संसाधन नहीं थे, कोरोना क्या था, किस तरह से ये आम जनजीवन को प्रभावित करता है, इसके बारे में कोई जानकारी सरकार के पास नहीं थी, हमारे देश में कोई तैयारी भी नहीं थी, लेकिन उसके बाद तैयारियां शुरू हुई, मेडिकल हेल्थ व्यवस्थाओं को मजबूत किया गया। 2021 में कोरोना की दूसरी लहर आती है, हालांकि वायरस ने अपना स्वरूप बदला, ऑक्सीजन के बारे में सरकार ने नहीं सोचा था कि दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, वेंटिलेटर की कमी हो सकती है, लेकिन सरकार ने वह भी सब व्यवस्थाएं करी। देखा था आपने कि किस तरह से केंद्र से लेकर राज्य सरकार ने ऑक्सीजन के लिए प्रयास किया, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मंगवाए, एयर फ्लाइट करके बाहर से हवाई जहाजों के जरिए हमारे पास ऑक्सीजन के टैंकर आए, रेलगाड़ियां चलाई गई ऑक्सीजन की,
तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि अब तीसरा जो वेरिएंट आएगा, ये वेरिएंट किस रूप में आएगा, किस चीज की कमी हमारे शरीर में होगी, किस तरह से हमें मेडिकल सुविधाएं दी जाएंगी, जो जो संभावित सुविधाएं हैं उसको लेकर सरकार ने प्रयास तेज कर दिए हैं और सरकार हर संभव कोशिश में लगी है कि इस बार कोरोना की जो तीसरी लहर आएगी और जिसको डेल्टा प्लस के रूप में देखा जा रहा है, उससे आम जनता किसी भी तरह से प्रभावित ना हो, उसको परेशानी ना हो, उसके लिए मेडिकल हेल्थ व्यवस्थाओं को पूरी तरह से मजबूत करने का काम अभी से सरकार ने कर दिया है। यही वजह है कि ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, स्वास्थ्य कर्मियों को ट्रेनिंग दी जा रही है। इसके अलावा जो मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं उनकी भी भारी संख्या के अंदर खरीद फरोख्त की जा रही है, अस्पतालों के अंदर सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जा रहा है। इसी बीच जयपुर के मेडिकल कॉलेज के अंदर जीनोम सिक्वेंसिंग की भी सुविधा अब सरकार ने कर दी है, यानी पहला वायरस, दूसरा वायरस और अब यदि तीसरा जो वेरिएंट आ रहा है, इन तीनों वेरिएंट में कितनी समानता है, किस तरह से सिक्वेंस के रूप में काम कर रहा है, क्या कोई चौथा वायरस भी इस कोरोना की लहर का हो सकता है, इस सब के ऊपर वहां पर ये पूरा निगरानी रखी हुई है। कुल मिला के हम बात करें कि कोरोना लहर की यदि तीसरी लहर से आपको अपने परिवार को, समाज को, राजस्थान को, हमारे देश को बचाना है तो इसके लिए सावधानी रखनी होगी। मास्क एकमात्र ऐसा रामबाण उपाय बताया है दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने और सबने एक राय होकर एक बात कही है कि केवल और केवल एक मास्क ऐसी चीज है जो आपको कोरोना की लड़ाई में महत्वपूर्ण हथियार के रूप में आपके साथ खड़ा हो सकता है और वही आपकी जिंदगी को बचाने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। तो स्वामी न्यूज के इस खास कार्यक्रम में डेल्टा प्लस का भारत में प्रवेश में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन जैसे ही डेल्टा प्लस की और नई नई जानकारियां हमारे पास आएगी और वेरिएंट किस तरह से हमें प्रभावित कर सकता है, हम इससे किस तरह से सुरक्षित रह सकते हैं, इस संबंध में विस्तृत चर्चा करेंगे। लेकिन जाते जाते दोस्तों, आप सभी से मेरा एक बार फिर से निवेदन है कि आप SMS का पूरा ध्यान रखें, क्योंकि इंसानी जिंदगी बहुत महत्वपूर्ण है, आपकी जिंदगी आपके परिवार के लिए महत्वपूर्ण है और इसके लिए जरूरी है SMS का उपयोग करें, सैनिटाइज करें, मास्क लगाएं और 2 गज की दूरी के पालना जरूर करें। फिलहाल अभी के इस खास कार्यक्रम में मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।